हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रवेश मिर्जा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्जा व्यू। और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक साइड से कोण कैसे बनाते हैं। मतलब नॉर्मली हम लोग जो कोण बनाते हैं वो सेंटर से बनाते हैं, लेकिन एक साइड से कोण कैसे बनाएं। जैसे सपोज कीजिए इसका हाइट, इसका जो ऊपर का डाया है, मान लीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ ये डाया इसका 100 mm है और ये नीचे से 50 mm है। अब ये एक साइड से राइट एंगल है और यहाँ से 50 mm है और यहाँ से 100 mm है, तो हम इसकी मार्जिन कैसे करें आज मैं आप लोग को वही सिखाने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये मैंने किसके ले लिया है, और ये पेन है और ये पुरकार भी बोलते हैं इसको। तो अभी हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मार्किंग करते हैं। हम यहाँ पे एक सीधी मार्किंग कर लेते हैं, ये हमारी सीधी एक मार्किंग हो गई है। अभी हम क्या करते हैं, एक इस पे सेंटर लगा लेते हैं। ये हमारा नॉर्मली एक सेंटर हो गया, क्योंकि अभी हम जैसे मैंने इस पे लिखा है 100 mm और 50 mm, मैं इसी के हिसाब से इसको आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो मैं जो पुरकार है इसको पहले 50 mm पे बांध देता हूँ, क्योंकि 50 हम 100 का आधा करेंगे तो 50 आएगा, पुरकार घूमने के बाद 200 हो जाना है उसको। तो मैं बिल्कुल इसी के साइज से आपको दिखाऊंगा निकाल के। अब ये हमारी पुरकार जो है 50 mm पर बंध गई है। अब हम यहाँ से सेंटर ले लेते हैं और पुरकार घुमा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पुरकार घूम गई है। अभी हम क्या करते हैं, इस पुरकार से ये 50 mm हो गया, इसका 100 mm का सेंटर, यानी कि ये वाला जो है इसका सेंटर ये 50 mm हो गया। अभी हमें इसका सेंटर लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड से ये वाला जो साइड है हमारा, हम इस साइड से 25 mm पे इसका निशान लगाएंगे। 1, 2, 25, ये इसका निशान आ गया यहाँ पे। मान लीजिए ये इसका सेंटर है 25 mm, तो अब हमें इसका एक वो घुमा देना है। तो हम 25 mm पे फुलकार बांध देते हैं अपनी। अब हमने 25 mm पे बांध लिए और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे ही घुमा देते हैं। ये हमारी घूम गई है पुरकार। अब मैं इसको थोड़ी हाईलाइट आपके सामने कर देता हूँ। ये हो गया हमारा निशान इसका। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हमें ये जो पुरकार है इसको वापस से इस पर हम बांध देते हैं। तो देखिए हम पुरकार यहाँ से ऐसे लगाएंगे, एक इधर से लगाएंगे और एक इसका यहाँ से लगाएंगे यहाँ पे, इसका सिर्फ सेंटर निकालने के लिए। इसका यहाँ से लगाएंगे, ये इसका सेंटर निकल गया है। अब हम वापस से देखेंगे, ये वाला जो सेंटर है ये हमें सिर्फ इसका सेंटर निकालना है। ये हमारा ये सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट से हम एक पुरकार ये घुमा देंगे यहाँ पे और एक इधर घुमा देंगे। अब हमें सेम ऐसे ही इस वाले पे करना है। देखिए ऐसे करके हैं, एक पुरकार घुमा दिया, एक पुरकार घुमा दी, एक पुरकार घुमा दिए और एक पुरकार ये घुमा दिए। इसका जो सेंटर पॉइंट आया, हमें वो सेंटर पॉइंट इसका लेना है।
इसका सेंटर पॉइंट आ गया है। अब देखते हैं, अब हम इस सेंटर पॉइंट से एक पुलकार इधर घुमा देते हैं और एक पुलकार इधर घुमा देते हैं। तो अब देखिए हमारे जो पॉइंट हो गए हैं, हम इसको ले लेते हैं जीरो जीरो, और इसका जो बड़े वाला है 100 mm वाला, एक दो तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, इसी तरह हमारे ये हो गए हैं। ये जीरो हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल हमारे निशान हो गए हैं छः। ये हो गई इसकी पहली मार्किंग। अब इसकी मैं आपको दूसरी मार्किंग करके दिखा देता हूँ, यही इसी में हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेन अब देखिए आप समझने के लिए, ये जो है ये हमने इसका डाया लिया, ये जो है ये हमने इसका डाया लिया। अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा जो जीरो हमने पकड़ा है जीरो से एक पे, और ये अभी आप अगर इसको ऐसे समझेंगे ये ज्यादा आपको इजी रहेगा, एक तीन पांच सात नौ ग्यारह, यानी कि एक, एक के बाद इसको हम कर देते हैं दो, इसको कर देते हैं चार, ये मैं मार्कर पेन से कर देता हूं थोड़ा इजी रहेगा, दो चार छः आठ दस बारह, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये इसके निशान हैं। अभी मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट किए जाएंगे और कैसे हमारी फाइनल मार्किंग होगी। आप ये देखिए, ये जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट से क्या करना है, हमें जो एक पॉइंट है, एक का जहाँ पे निशान आया है हमें ये कर देना है, ऐसे ये मिला देना है। फिर ये जो एक है, एक से हमें दो को मिलाना है, ऐसे ये हो गया दो। अब हमें दो से तीन को मिला देना है, ये हो गया तीन। अब हमें तीन से चार को मिलाना है, ये हो गया चार। अब हमें चार से पांच को मिलाना है, अब हमें पांच से छह को मिलाना है, अब हमें छह से सात को मिलाना है, ऐसे अब सात से आठ मिलाना है, आठ से ऐसे ही नौ मिला देना है, और नौ से दस मिलाना है, और हमें 10 से 11 मिलाना है। ये हमारे हो गए हैं पॉइंट। अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ही, वो पेन उल्टा नहीं चल पाता है इसलिए मैं इसे खींच देता हूं। ये हमारा 11 से 12 हो गया है और ये हमारा ये हो गया, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपको वो मैं समझा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, जैसे हमने ये जीरो पॉइंट पकड़ा है, जीरो से हमने एक लिया, एक से दो लिया, दो से ऐसे तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, छः से सात, सात से आठ, आठ से नौ, नौ से दस, दस से ग्यारह, और ये बारह। तो ये हमारी एक पहली मार्किंग हुई, मतलब इसको हम लगा लेते हैं एक नंबर। अभी इसके बाद हम करते हैं दो नंबर की मार्किंग। ये क्या है, ये जो कौन है हमारा, ये एक ही मार्किंग से नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हमें एक मार्किंग हमने ये की है, अब हम जो इसका ये जो पॉइंट हमने रखे हैं, अब इनकी मार्किंग हमें एक करनी पड़ेगी, फिर हमें उसके हिसाब से जो हम लास्ट मार्किंग करेंगे उस मार्किंग से ही निकलेगा। तो ये एक ही मार्किंग से कभी भी हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी चलिए मैं आपको दूसरा मार्किंग करके दिखा देता हूँ, इसके जो नेक्स्ट वाला मार्किंग है वो, यानी कि मार्किंग नंबर दो।
दो नंबर, ठीक है। अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दो नंबर का मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं नॉर्मली, सीधा मार्किंग, ये हमने मार्किंग किया। अभी हमें क्या करना है, इस मार्किंग से हमें एक राइट एंगल में मार्किंग करना है। राइट एंगल पकड़ा और हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर जीरो पॉइंट रखा था, ये हमने एक जीरो पॉइंट रखा था, इसका जीरो पॉइंट एक ये हो गया है। ये बहुत ध्यान रखने के लिए है, ये जो जीरो पॉइंट है इसका एक जीरो पॉइंट हो गया। अभी हमें क्या करना है इसका, यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे हंड्रेड है, तो यहाँ से ये जीरो पॉइंट से यहाँ पे एक हंड्रेड पे निशान लगा लेना है। ये एक हंड्रेड पे निशान हो गया है। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हमें करना है ये फुटकार ले लेनी है। अब समझिए आप अच्छे से, ये जो जीरो पॉइंट है, जीरो से हमें एक पे फुटकार बांधनी है, जीरो से एक पे। तो हमारी जितनी भी आए, ये जीरो जो हमारा है पॉइंट, यहाँ से हमें फुटकार लेनी है एक नंबर पे, ये हमारा एक हो गया। अब हमें ये पॉइंट से यहाँ पे निशान खींच देना है और इस पे हमें नंबर डाल देना है एक, क्योंकि ये हमारा जीरो से एक तक है, ये नंबर हो गया हमारा एक। अब हमें क्या करना है, जीरो से हमने एक पे पकड़ लिया है, ये पे मार्किंग आ गई है। अब हमें एक से दो पे करना है, ऐसे ही सेम प्रोसेस पर, सेम प्रोसेस इसमें कर देना है यहाँ से दो नंबर पे, ये हमारा दो हो गया। अब हमें यहीं से, ये हमारा जीरो जो पॉइंट है, हमें यहीं पे पुकार रखनी है। तो ये जो हमारा दो वाला है, ये भी सेम सा ही आ रहा है, तो हम इसको इधर घुमा देते हैं। इस पे हम डाल देते हैं दो नंबर, ये दो नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो दो नंबर है, ये दो नंबर से जो तीन नंबर के बीच का गैप है, अब हमें इसको कर लेना है कितना है। ये देखिए इतना बिल्कुल पुकार बंद हो गई है इसमें, तो हमें इसको खींच लेते हैं। ये हमारा है तीन नंबर, अब हम इसमें तीन नंबर डाल देते हैं, ऐसे ही आ गया तीन नंबर। अब हमें तीन नंबर से लेना है चार नंबर पे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखिए तीन नंबर से चार नंबर, ये देखिए ये तीन नंबर हो गया, तीन नंबर से हमने लिया चार नंबर पे। हम इसको जीरो पॉइंट पे पकड़ेंगे और ये मार्किंग खींच देंगे और अब हम इस पर डाल देंगे चार नंबर, ये चार नंबर हो गया। अब हमें चार नंबर से पांच नंबर पे, ये चार नंबर हो गया, ये पांच है, ये चार से पांच हो गया। अब हमें इसको ऐसे ही ले लेना है जीरो पॉइंट से, ये हमारा हो गया पांच नंबर। अगर आपने ये मार्किंग याद कर ली तो आप वो किसी भी साइज का कितना भी बड़ा बना सकते हैं। अब हमें लेना है पांच नंबर से छह नंबर पे, ये हमारा पांच नंबर हो गया और यह हमें लेना है छः नंबर तक। तो ये देखिए पाँच से छः पे आ गया है। अब हम इसको यहाँ से मार्किंग दे रहे हैं, ये हो गया हमारा छः नंबर। अब हमें लेना है छः नंबर से सात नंबर पे, ये हमारा सात है और ये छः है, ये छः से सात हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं इसे, ये हमारा हो गया सात नंबर, इसमें इधर सात नंबर डाल दिया। अब सात से हमें लेना है आठ नंबर, ऐसे ही ये सात से आठ हो गया। आठ नंबर, अभी लेना है हमें आठ नंबर से नौ नंबर, ये नौ है, ये थोड़ा सा कम होगा, ये नौ नंबर यहाँ पे आ गया नौ नंबर। अब हमें लेना है नौ से दस नंबर,
ये देखिए 9 से 10 आ गया, तो हम 9 से 10 नंबर भी इधर लगा देते हैं। ये हमारा आ गया 10 नंबर। अब हमें 10 नंबर से 11 नंबर पे लेना है। हमने इसमें नंबर डाले, ये जितना इसका गैप था ये हमने गैप सब यहाँ पे मिला दिया है। अभी हमारा मार्किंग नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो हम लास्ट और फाइनल मार्किंग पे जाएंगे वो है मार्किंग नंबर 3। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं ये आज वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और ये जो इसका आगे का जो मार्किंग है वो वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। तो आप आज इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं आपको कल दे दूंगा। तो मिलते हैं इसी कल इसी टॉपिक में इसी वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए खुश रहिए।